तो क्या जो एलविश यादव है वो हमारे को 14 दिन के लिए जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो यार पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वेलकम टू जीएक्सएन टॉक्स, आप लोगों को यहाँ पे सारी ऐसी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हमारे को एक अपडेट देखने को मिली थी कि जो एलविश यादव है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उनको यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। काफी सारी वीडियोज हमें ऐसी वायरल होती हुई दिखाई दी थी, तो सबसे पहले वो वाली क्लिप्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी, और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एलविस यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। जी वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस के धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। एंड इसके बाद हमारे को फाइनल स्टेटमेंट इसके ऊपर देखने को मिली, जहाँ पे हमारे को जो एलविश यादव है वो 14 दिन के लिए कस्टडी में देखने को मिलेंगे। और एक वीडियो भी इससे ज्यादा काफी वायरल हो रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसका मतलब हमारे को जो 14 दिन के लिए एलविश यादव के ब्लॉग देखने को कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसके बाद हमारे को वो दोबारा कोर्ट में जाते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे इसका डिसीजन आएगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। एलविश कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहोगे भाई? भाई कुछ कहोगे? गाड़ी मेरे तो इस चीज के लिए यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट मैं आप लोगों को चैनल पे दे दूंगा।